हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर सर्कल की थ्योरम नंबर 10.6 शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको 10.6 थ्योरम समझाऊंगा। क्लियर। थ्योरम नंबर 10.6 क्या कहती है? देखिए बेटा, उसका स्टेटमेंट क्या है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहां पे क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स, सर्कल की जो कॉर्ड्स है कैसी हैं, इक्वल कॉर्ड्स, मतलब कि उनकी लेंथ क्या है, सेम, वो सर्कल से इक्विडिस्टेंट होती हैं। मतलब कि सर्कल के सेंटर से, सर्कल से नहीं, सर्कल के सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंस, मतलब उन कॉर्ड्स की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती। ये इसका स्टेटमेंट है। क्लियर है। अब इसको अपन लोग प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। तो यहां पे सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, गिवन आपके पास गिवन है एक सर्कल और उसमें कॉर्ड्स कैसी इक्वल। तो अपन लोग जो है यहां पे दो कॉर्ड कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, दो कॉर्ड। तो सपोज दैट ये आपके पास एक सर्कल है, ये जो है आपके पास सर्कल है, एक क्या है, सर्कल। आप लोग प्रकाल यानी कंपास की हेल्प से सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, तो सही बनेगा। ये इसका क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर है। टू कॉर्ड्स आपने ली यहां पे, कौन सी दो कॉर्ड्स, आपने कोई सी भी कॉर्ड्स ले लो। तो सपोज दैट आपने ये कॉर्ड्स यहां पे ले ली। कॉर्ड्स क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। सर्कल पे दो पॉइंट्स आप कोई से भी लीजिए, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा। ये कर्व कह, ये आपकी आर्क कहलाएगी और ये आपकी कॉर्ड कहलाएगी। तो सपोज दैट ये कॉर्ड क्या है, ए बी। क्लियर है। सेंटर आपका क्या है, ओ, ठीक है। एक कॉर्ड आप यहां बना लीजिए, क्लियर है। एक कॉर्ड आपने यहां ड्रॉ कर ली, इसका नाम मैंने रख दिया सी डी। क्या, सी डी। क्लियर है। अब जो है आपको बताना है ये कॉर्ड जो है सेंटर से, सेंटर थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, सेंटर जो है ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस की बात यहां पे होगी हमेशा। किसी पॉइंट की किसी लाइन से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो वो हमेशा डिस्टेंस सॉर्टेड डिस्टेंस होगी। और सॉर्टेड डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब यहां से अपन लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कॉर्ड के ऊपर, ये, क्लियर। इसका नाम मैंने रख दिया एम और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ होगा इसके ऊपर। यहां मैंने नाम रख दिया इसका L। क्लियर है। OL और OM इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्लियर, क्योंकि इसमें क्या बात कर रहा है, डिस्टेंस। किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस, कॉर्ड की डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से। तो सेंटर क्या है, एक पॉइंट है। कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट की किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखी जाती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए अपन लोगों ने। तो अब आपको क्या गिवन है, गिवन है अ सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर ओ। एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर ओ है, इसमें कॉर्ड्स इक्वल हैं। मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, ये कॉर्ड्स क्या हैं, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछने का मतलब, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो कॉर्ड्स इक्वल है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि टू प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको कि ये डिस्टेंसेस, सेंटर से डिस्टेंसेस, कौन सी डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, यानी कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम।
फिर अपन लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा कि आप जो है ओए और ओसी को ज्वाइन कर दीजिए, या फिर ओबी और ओडी को ज्वाइन कर दीजिए, तो कोई सा भी, मतलब कि यहां पे ओए को ज्वाइन कर दीजिए, ये मैंने आपको ज्वाइन कर दिया, क्लियर है? इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बेटा हमेशा डॉट लाइन से, मतलब डेड रेट्स वाली लाइन से आप जो है बनाएंगे, तो लगेगा कि आपने कंस्ट्रक्शन यहां पे किया है, दिखेगा फिगर में कि ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ठीक है? ज्वाइन कर दिया, तो आप यहां लिखेंगे यहां पे ज्वाइन ओए एंड ओसी। अब देखिए आपका उद्देश्य क्या है, ओएल और ओएम को इक्वल करना, क्लियर है? ये आपका उद्देश्य है। अब इसमें ओएल जो है इस ट्राइंगल में आएगा, ओएम जो इस ट्राइंगल में आएगा, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, क्या कर दें? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो सीपीसीटी के द्वारा अपन लोग इसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो प्रूफ में जाएंगे, प्रूफ में सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, लिखेंगे वी नो दैट क्या पिछली थ्योरम थी आपकी 10.3 क्या थी, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, क्लियर? परपेंडिकुलर सेंटर कहां पे, टू द कॉर्ड, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए, कहां से, सेंटर से बाइसेक्स द कॉर्ड, क्या बाइसेक्स द कॉर्ड, मतलब कि ये मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये इसको बाइसेक्ट मतलब इक्वल कर देगा, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि क्या OL परपेंडिकुलर ऑन AB, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा AL इक्वल टू BL, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, क्लियर है? जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे तो ये दोनों पार्ट्स हैं क्या, AB ये क्या है, हाफ है, AB के आधे आधे हो गए ना ये, क्लियर है? ये आपका जो है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है तो बाइसेक्ट करता है, तो आधे, तो ए भी पूरी लाइन है उसके आधे हो गए। इसी तरीके से बेटा अपन लोग क्या करेंगे, OM परपेंडिकुलर ऑन किस पे, CD पे, तो हम कह सकते हैं CM इक्वल टू MD, CM इक्वल टू DM, और ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, CD के हाफ होंगे, क्या होंगे, CD के हाफ होंगे, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब देखिए बेटा, अब देखिए आपको पता है AB इक्वल टू CD आपके पास गिवन है, तो AB का हाफ और CD का हाफ भी इक्वल रहेगा, मतलब इसको मैं दोबारा से लिखूं, इसको आप पहले नोट कर लो फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए फिर मैं बता रहा हूं, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। देखिए बेटा यहां पे ये आपका हो गया, अब आपको पता क्या था, गिवन में AB इक्वल टू CD था, तो मैं कह सकता हूं AB में 2 से डिवाइड करूं तो CD में भी 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD इक्वल होगा। अब अपन लोग ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करना है, ये वाले, तो हाफ ऑफ AB को मैं लिख दूंगा यहां पे AL, यहां से क्या लिख दूंगा AL, और हाफ ऑफ CD को मैं क्या लिख दूंगा CM, तो आपका क्या है AL इक्वल टू CM हो गया। अब अपन लोग दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, क्लियर है? क्या कर लेंगे दोनों, पहले आप ये लिखिए फिर इसे, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा, सबसे पहले ALO एन ट्राइंगल CMO दोनों ट्राइंगल्स की बात करूंगा, ठीक है? तो दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली कहानी आपका एंगल ALO इक्वल टू एंगल कौन सा, CMO इक्वल है, क्लियर है? आप क्यों है इक्वल, क्योंकि ये गिवन ही है आपके, OL परपेंडिकुलर AB, OM परपेंडिकुलर CD, ये गिवन ही है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस,
फिर शॉर्ट डिस्टेंस और न्यू डिस्टेंस होती है आपकी, आप OA जो है OC के इक्वल हो जाएगा, तो OA इक्वल टू OC, वाई, क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है। देखिए सेंटर से सर्कल को ज्वाइन, सर्कल पे एक पॉइंट है, ये भी सी पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होंगी, आपके इक्वल होंगे। अब यहां पे आपने जो प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, AL इक्वल टू CM, क्लियर है, वी हैव प्रूव्ड अबव, ऊपर अपन लोग प्रूव कर चुके। तो गौर से देखिए बेटा, वीडियो को रोकिए, पहले ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए, क्लियर, नोट कर लिया, अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये अपन लोग प्रूफ कर चुके हैं, देखिए बेटा ये क्या है, राइट एंगल है, OA क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस, और एक साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यहां पे राइट एंगल, ये कहानी हाइपोटेन्यूस OC और एक साइड, मतलब कि बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल के तहत ट्राइंगल ALO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CMO के, क्लियर है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके तीन पार्ट अपन लोग लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल में, बाकी जो तीन बचे हुए पार्ट्स हैं, यहां पे राइट एंगल लिया, ये हाइपोटेन्यूस लिया, एक साइड लिया, अब बाकी जो तीन बचे हुए पार्ट हैं वो भी इक्वल होंगे, ये कहता है ये रूल। तो सीपी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल में सिक्स पार्ट होते हैं, तीन अपन ले लिए, तीन होंगे। अपन को जो चाहिए है, क्या चाहिए है, ये तो अपन लोग कह सकते हैं OL इक्वल टू OM, और यही बेटा आपको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, OL इक्वल टू OM, मतलब कि ये जो है कॉर्ड्स जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यही प्रूफ करना था, इक्वी डिस्टेंस, तो अपन ने OL इक्वल टू OM प्रूफ कर दिया। तो हेंस क्या मतलब हुआ, हेंस आपका OL इक्वल टू OM मतलब कि इट इज प्रूफ्ड, इट इज प्रूफ्ड, या फिर आप यही स्टेटमेंट हेंस ले सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फिर से देख लीजिए बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपको, टू इक्वल कॉर्ड्स लेनी है, कैसे भी ले सकते हैं, क्लियर है, एक सेंटर के उस साइड ले लो, एक सेंटर के इस साइड ले लीजिए, इक्वल कॉर्ड्स की बात है, या सेंटर के दोनों, एक सेंटर के साइड जो है दोनों ले लीजिए, आप एक ही साइड ले लीजिए, क्लियर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, दो इक्वल कॉर्ड्स आपको ले लेनी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल, तो अपन लोग दो इक्वल कॉर्ड, टू इक्वल कॉर्ड्स कंसीडर करेंगे, तो ए बी और सी डी अपन लोगों ने कंसीडर कर ली। फिर क्या, फिर क्या नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है, क्या नोटिस करने वाली बात है, कि सेंटर से इक्विडिस्टेंस आपको प्रूव करना है दोनों कॉर्ड को, तो सेंटर से यहां पे ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी आपके पास पॉइंट है और एक लाइन है, क्लियर है, तो ये पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल ली, तो देखो बेटा ये भी हो सकती, 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 लेकिन जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस मानी जाती, और सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, क्लियर है। तो यहां पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा, मतलब परपेंडिकुलर आपको बनाने पड़ेंगे, क्लियर है, परपेंडिकुलर आपने बना लिए, अब आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, ये OA और OC ज्वाइन, दो ट्राइंगल्स आपके पास आ गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्लियर है, तो ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, क्या ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी थ्योरम, पिछली थ्योरम है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, क्लियर है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया अपन लोगों ने, क्या यूज किया यहां पे कॉन्सेप्ट, कि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है, आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब ए एल और बी एल इक्वल हो गए, ए एल और बी एल को अपन लोग ए बी अपॉन टू ले सकते हैं, क्लियर है, सी एम और डीएम होगा, सी एम और डीएम को अपन लोग सी डी अपॉन टू ले सकते हैं, हाफ ऑफ सी डी, इसको हाफ ऑफ ए बी,
तो ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी इक्वल होंगे, मतलब टू से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। अब अपन लोगों को ट्राइंगल ये लिया है, तो हाफ ऑफ ए बी को अपन ने कंसिडर क्या किया, ए एल, और हाफ ऑफ सी डी को सी एम। क्लियर, ये अपन लोग प्रूव कर चुके हैं। फिर दोनों ट्राइंगल्स में ये राइट एंगल्स गिवन है, ये हाइपोटेन्यूस मतलब रेडियाई गिवन है, और ये साइड्स अपन ने प्रूव कर ली। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्राइंगल क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंड बाय सीपीसीटी ओएल इक्वल टू ओएल ओएम, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।